सबसे पहले तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इतना खूबसूरत गाना जिसको लिखा रहा है उस्मान खान साहब भाई उस साथ को सर्कल में हम काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, काफ़ी टाइम से चीज़ें हो रही थी, बट फाइनली आज वो दिन आया है कि आज गाना रिकॉर्ड हुआ है हमारा। बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है और जो टीम है सतेंद्र जी हैं, हमारे राजा जी हैं, तो अच्छा एक ये टीम को लेके चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में हैं, तो अच्छा जब गाना आएगा तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा जिस तरीके से मेहनत की है गाने को लेकर। वेट उसमें आप ये हम जाएंगे इस गाने के बारे में बताइए किस तरह गाना है, किस तरह का मूड है, क्या सब्जेक्ट है? सर मूड ये गाने का ये है एक्चुअली सिंगल एल्बम है तो आप लोगों को मालूम ही है सिंगल एल्बम काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राम धुन वाले नहीं होते हैं तो सैड सॉन्ग है और बस ये तो मैं अपने मुँह से तारीफ नहीं करूँगा कि कैसा गाना है, ये तो अपनी सुन के वो खुद रिव्यू देखेंगे कैसा गाना है। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजा देवेंद्र जी जो कि गोवा से आज डबिंग के लिए आए हैं, जबकि पास में इनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है ये मुझे मालूम है और मैंने इनको बहुत ही फोर्स करके मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया है कि सर आप आ जाइए दो घंटे के लिए और ये आए हैं मेरे बोलने पर और अभी ये एक दो घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे गोवा। तो मैं राजा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। तो मैं राजा जी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें राजा जी का। तो बाकी तो गाना तो ऊपर वाले क्रम से देखिए इंशाल्लाह जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा तो आप लोग सुनेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है सैड सॉन्ग। सर आपका स्पेशल बताइए क्या है इस प्रोजेक्ट से, क्या देखिए जब प्रोजेक्ट होता है सिनेमा जब बनती है ना तो डायरेक्टर पहले आता है और म्यूजिक डायरेक्टर को साइन करता है। जब एल्बम की बात आती है तो उस्मान भाई ने डिस्कस किया था मेरे साथ, जिक्र किया कि तमस गा रहे हैं और राजा भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक ये पहली बार करने जा रहा हूँ एल्बम, तो एल्बम की तैयारी जो है ना फिल्म के जैसी हो रही थी, काफ़ी टाइम उन्होंने गाना बनाने में लगाया। एक्चुअली ये एल्बम जल्दी से करते थे क्योंकि फिल्म में बड़ा करते हैं, लेकिन आप बोलते हैं रिक्वेस्ट की कि मैं बोला आप कीजिए तो इन्होंने बोला कि छोड़ो। मुझे अच्छा लगा गाना सुनने के बाद, ऐसा लगा मतलब ये सोच ली कि एक गाना एक सिंगर आता है एक दिन गा के चला था कि अंतमस में तीसरी बार फिर थिएटर में इतना मेहनत कर रहे हैं गाने को लेकर के और फिर जैसा कि मैंने बताया कि राजा भाई भी पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं तो मुझे लगा अच्छी टीम है, अच्छा म्यूजिक है, एल्बम करना चाहिए। बहुत कमाल का म्यूजिक जो होता है ना कि आपको किसी का नाम नहीं लेता जो कुछ हिट हो रहा होता है ना तो ये एक शुरुआत है कि यहाँ से जो है ना उस्मान भाई की गाड़ी एक म्यूजिक डायरेक्टर की बढ़िया चलेगी। राजा जी इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं आता, मैं तो ऑडियो हूँ। आज इतनी मतलब इतनी दूर से आए मतलब इस गाने के लिए कुछ तो वजह रहा हूँ, मैं सुनने के बाद बताऊँगा, मुझे पता ही नहीं मुझे। उस्मान भाई क्या उम्मीद है इस गाने से आपको? सर उम्मीद मुझे ऊपर वाले की जात से है, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी मुझे इन लोगों पर पूरा विश्वास है बढ़िया ही करेंगे जो करेंगे। एक जो गाना ना गाने के साथ साथ एक कहानी चलेगी इस गाने में जो है ना, एक प्यार और जो होते ना दर्द, इन्होंने बोला सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग एक प्यार भरा खूबसूरत गीत है तो उसको एक स्टोरी में जब ढाल किया जब हम लेके आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत कमाल का म्यूजिक दिया इसमें, ये नहीं कि हम साथ में बैठे और हमेशा आदत होते प्रेस के बारे में बात करते कहते हैं आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये गाना में दम है। सर गाने को अभी रिवील नहीं कर, रिवील नहीं कर सकते एक्चुअली, आप जानते हैं कि सरप्राइज, हाँ थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ हाइड रखना बहुत ज़रूरी होता है। देना चाहते हैं आपको कैसा लगा गाना, आपने बहुत तो कर दिया होगा आपको? बहुत खूबसूरत गाना है और इंशाल्लाह जब ये गाना आएगा तो ये बहुत पसंद किया जाएगा। और सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग क्या है? सैड रोमांटिक सॉन्ग, सैड रोमांटिक सॉन्ग। मोहम्मद जी आजकल क्या गाने स्टोरी को लेकर आते हैं, क्या कहना चाहिए, कितना डिमांड है मार्केट में, हर गाने में एक स्टोरी रहती है? देखिए पहले एक फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो जाता था, आजकल एक एल्बम रिलीज होता है और एक एल्बम की एक दिन में लाइकिंग जो हो गई है जो सोशल मीडिया की वजह से बाकी जो ना इतना ज़्यादा हो गया कि एक गाना एक दिन पॉपुलर करके कहाँ से कहाँ सिंगर पहुँच रहे हैं, कहाँ से कहाँ अब मतलब सोचिए कि एक
बंगाल में गाने वाले सिंगर आई थी और एक गाना गाई मंडल, रेणु मंडल पूरा हिंदुस्तान पहचानता है कहाँ से तो चीज़ें एल्बम, अब एल्बम नहीं रहेगा सर, एल्बम एक इंसान की कैरियर, मैं बोल रहा हूँ कि इस गाने के बाद उस्मान भाई का आप देखना कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उनका जो अलग हो रहा आएगा, जितना मेहनत ये कर रहे हैं एक महीने से, और इनकी मेहनत को देख के मैं बोला कि नहीं इस चीज़ को अच्छी बनाने के लिए अच्छा टीम चाहिए, और जब एक राजा प्रोड्यूसर राजा मिल जाए आपको तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ बनेगी। आप क्या कह रहे हैं सर, कैसे जुड़े इनसे आपको परिचय? ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये सेकंड प्रोड्यूसर ही हैं, राजा साहब के साहबजादे हैं, इनका नाम है बॉबी साहिब, साहिब इनका नाम है, तो समझ लीजिए ये भी प्रोड्यूसर ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? मैं तो जी बस ऑल द बेस्ट कहूँगा उस खान उस्मान खान जी एंड टीम। उसमें एक कास्टिंग फाइनलाइज हुई कौन भाईजान? एक्चुअली क्या है, जैसे कि अभी सचिंद्र शर्मा जी ने मेरी तारीफ की है, फ्रेंकली स्पीकिंग ये इनका बड़प्पन है, इनका प्यार है, हकीकत बात है। बाकी हाँ ये चीज़ है कि जैसे कि अल्तमश फरीद जी जो हैं, इन्होंने तो ये 50 गाने इनके हिट हो चुके हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे हिट हुए हैं, लेकिन ये गाना जो थोड़ा सा अलग रंग लेके आया आएगा, ये मुझे अलग हटके लग रहा है, ये इनके लफ्ज़ हैं। और ये बताएंगे इनके कौन कौन से गाने पहले हिट हैं वो बताइए सर। जैसे रिसेंटली अभी मेरा एक मुलाकात एक चुम्मा जो कि बहुत ही बहुत हिट हुए हैं, और अभी भी काफ़ी मूवीज़ आ रही हैं, अभी भी रिसेंटली मेरा एक काफ़ी से हिट हुआ था प्यार है, तो उसके बाद फिर ये गाना बाकी ही जैसे उस्मान खान जी ने बताया कि गाना कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा है, जब ये गाना आएगा तो चीज़ें बनती बनते बन जाती है। ठीक है, इस सॉन्ग को आप डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, लेकिन जो आपका फेवरेट है आपका एक मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने, मुसलसल नजर तरसती रही तड़पते हम भीगे बरसाती, ओ एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया, कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबारू उनका ना गजब हो गया। अच्छा इसी के साथ में ये अभी आमिर साहब हैं, आमिर साहब आइए। मैं एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगा, ये जो इस गाने के बारे में बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है और मतलब उसने गाया बहुत अच्छा है, बस अच्छा शूट हो जाए मजा आ जाते। आप कैसे जुड़े हैं सर इस गाने से? उस्मान जी आए थे मेरे पास एक गाना करना है आमिर, तो मैंने कहा सुनाइए या क्या मेलोडी है, तो जैसे ही उन्होंने गाना सुनाया मैंने बोला यार ये फटाफट अल्तमश को कॉल किया जाए और ये अल्तमश ही गाए, इतनी अच्छी टीम है, तो ये इसकी स्टोरी है। थैंक यू सर। ओके।